मनरेगा योजना में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार, सिर्फ कागजों पर चल रही है योजना। व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर लूटपाट का कार्य जारी, जिलाधिकारी ने जिलावासियों को किया सावधान। कूड़ेदान में मिला नवजात शिशु का शव, धड़ल्ले से चल रहा है एबोर्शन का कार्य। ब्लड की कालाबाजारी का हुआ खुलासा, वार्डन और उसके लड़के पर हुई कार्रवाई। विकास नगर हाईवे पर लोगों ने किया जाम, भारी बारिश में दिक्कतों का सामना, घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। इटावा में व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर लूटपाट का कार्य लगातार जारी है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने जिला वासियों को सावधान करा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फर्जी आईडी बनाने वाले पर कार्रवाई की जा रही है, कृपया ऐसी किसी फर्जी आईडी पर ध्यान न दें। कल एक शिकायतकर्ता द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक मोबाइल नंबर से, जो कि मेरा नहीं है या हमारे किसी प्रशासन में किसी अधिकारी का भी नहीं है, उस पर डिस्प्ले पिक्चर के रूप में मेरी फ़ोटो लगा करके उनको संपर्क किया गया और उनसे ये कहा गया कि उनसे मिल लें, शायद लैंड एक्विजिशन में किसी विषय में। तो जब उस नंबर को आइडेंटिफाई किया गया तो वो नंबर भोपाल से इशू कराया गया है और उसकी करंट लोकेशन जो है वो अलवर में दिखा रहा है। पर सर्वसाधारण को हमने अपने फेसबुक के माध्यम से भी और अब आपके माध्यम से भी सूचित करना चाहेंगे कि डीएम इटावा का केवल एक ही ऑफिशियल नंबर जो है 9454-7551 संचालित है, जो हमारा आधिकारिक नंबर जिस पर हम लोग लगातार अवेलेबल हैं। इस केस में भी उस नंबर के विरुद्ध हमने FIR के लिए साइबर थाने में अपनी ओर से वो दे दिया है, एक आदेश दे दिया है, उसमें जाँच भी की जा रही है, उसमें CDR निकाला जा रहा है। जैसे ही डिटेल्स हमें मिलते हैं इसमें आगे कार्रवाई। ललितपुर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में दलालों का गैंग सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ब्लड बैंक में ब्लड देने के बदले हजारों रुपए की मांग की जाती है। इस मामले को प्राइम टीवी ने विशेष रूप से दिखाया है, जिसके बाद सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर अस्पताल में तैनात वार्डन और उसके बेटे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अभी भी मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।